झनक झनक झनक, जहां देखा जाए आजकल झनक का ही नाम है। अनिरुद्ध के मुंह पर भी, आदित्य के मुंह पर भी, और अर्शी और सृष्टि के मुंह पर भी। और अर्शी और सृष्टि तो भाई झनक से नफरत की आड़ में झनक को इतना याद करते हैं जितना कि खुद अनिरुद्ध भी नहीं करता। लेकिन अभी झनक को खुद झनक का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि झनक बनने वाली है दुर्गा माता, और इस दुर्गा माता के अवतार में आकर झनक बचाने वाली है हमारे अनिरुद्ध बोस को। क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध बोस को हो चुका है सीनियर हार्ट अटैक, जिसकी वजह से अनिरुद्ध को अस्पताल में एडमिट कराया गया। और अब अनिरुद्ध को सिर्फ और सिर्फ बचा सकता है इस पूरी दुनिया में तो वो एक ही शख्स है, और वो है अनिरुद्ध का डॉक्टर। लेकिन दोस्तों साइंस को मात देकर पिछली बार जैसे अनिरुद्ध ने हमारी झनक को बचाया था मंदिर में जाकर उस फूल को लाकर, ठीक वैसा ही एक बार फिर से अनिरुद्ध के साथ होगा, जहां पर अनिरुद्ध को बचाने के लिए झनक को माता जी दुर्गा माता का आशीर्वाद लेकर उस प्रसाद को लेकर अंदर जाना होगा और अनिरुद्ध को खिलाना होगा। लेकिन इन सभी के पहले आपको तो पता है कि बोस परिवार झनक को अनिरुद्ध से दूर रखना चाहता है, इसीलिए अनिरुद्ध को झनक के पास ना आने देने के लिए, झनक को अनिरुद्ध से ना मिलने के लिए ये सारे लोग बीच में खड़े हो जाते हैं। तो मजबूरी में हमारी झनक को लेना पड़ता है दुर्गा माता का अवतार और उठानी पड़ती है त्रिशूल को, ताकि ये सारे महिषासुरों का नष्ट कर सके, आगे बढ़ सके अपने प्यार अपने पति को पाने के लिए। और जब एक नारी अपने शक्ति के रूप में आती है तो फिर भला उसे रोकने के लिए ये पूरी कायनात भी कम पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका मेरे चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर बात कर दोस्तों झनक के आने वाले एपिसोड की, तो अब यहां से झनक की कहानी रातों रात बदलने वाली है, क्योंकि आज तक आप लोग जो कहानी देख रहे थे ना, वो कहानी तो आप लोगों को नहीं दिखेगी। क्या देख रहे थे आज तक आप लोग, क्या देख रहे थे? यही ना कि झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ये आप लोग देख रहे थे। आप लोगों का आज तक क्या लग रहा था कि झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पास आ ही नहीं रहे थे? आप लोगों को क्या लग रहा था कि झनक अनिरुद्ध जब भी एक दूसरे करीब आते हैं इनके बीच में कलह हो जाते हैं? नहीं, अब आप लोग ये नहीं देखने वाले, बल्कि ये सारी चीजें हट जाएंगी, क्योंकि अब झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे को देखने वाले। क्योंकि अब झनक ने सभी के सामने, पूरे बोस परिवार के सामने ऐलान कर दिया कि अनिरुद्ध उसका पति है और वो अपने पति के पास जाना चाहती है। अब यदि उसके पति के पास जाने से यदि किसी ने कोई रोका तो वो किसी के साथ किसी भी हद तक जा सकती है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर आपके लिए, यानी झनक के तमाम फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अब हमारी झनक को कोई भी नहीं रोक सकता अनिरुद्ध का होने के लिए। और हमारा झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे के तो हो तो जाएंगे, लेकिन सोचे जा रहा है कि अर्शी का क्या? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं कि अर्शी ने अनिरुद्ध को ये बात बोला है खुद ही से, अपने जवान से, कि कुछ भी हो जाए मैं अनिरुद्ध तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैं तुम्हें छोड़ूंगी तुम मौका पाते साथ ही झनक के करीब चले जाओगे, झनक को अपना बना लोगे, और मैं ये कतई होने नहीं देना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें जहाँ पर छोड़ूंगी तुम तुरंत निकलोगे और झनक के पास चले जाओगे, और झनक भी इंतजार कर रही है तुम्हारा, कर रही इंतजार, हाँ अर्शी कर रही है। तो क्या भाई, देखो सीधे और साफ लफ्जों में बात कहा जाए ना, तो अर्शी तुम झनक को, अनिरुद्ध को ना मिलाने वाली, अनिरुद्ध को ना छोड़ने वाली कोई नहीं होती हो। क्योंकि सबसे पहली बात है कि तुम अनिरुद्ध की पत्नी भी नहीं हो, ना ही लीगली, ना ही ऑफिशियली, ना ही पारंपरिक धार्मिक जो लिहाज से बोला जाए, जिस लिहाज से बोला जाए, कहीं से भी देखा जाए तो तुम ना अनिरुद्ध की कुछ लगती ही नहीं, यानी कुल मिलाकर अनिरुद्ध और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अब एक बात तो साफ है कि अनिरुद्ध को तुम रोक नहीं सकती हो झनक के पास जाने के लिए, लेकिन फिलहाल अनिरुद्ध की हालत ऐसी है कि भाई ये दोनों माँ बेटी अनिरुद्ध के ऊपर भरोसा भी नहीं करते। भाई सबसे बड़ी बात है कि जब अनिरुद्ध अर्शी जा रहे होते हैं सृष्टि के साथ और हमारे छोटन के साथ, तो छोटन गाड़ी चला रहा होता है जहां पर अनिरुद्ध फ्रंट सीट पर बैठा होता है, और अर्शी और सृष्टि दोनों माँ बेटी एक दूसरे के पीछे बैठे रहते हैं, यानी कार के बैक सीट पर बैठे रहते हैं। लेकिन जब अनिरुद्ध वहां पर बोलता है कि उसे चेस्ट में पेन हो रहा है, ये बात तो पहले ही बोलता है घर में थोड़ा थोड़ा जब होता है, तो तब भी किसी को यकीन नहीं होता, खास करके अर्शी तो यही बोलती है कि चलो यार नौटंकी मत करो, तुम्हें मुझे पता है तुम कुछ नहीं करने वाले हो, झनक से दूर जा रहे ना, तो तुम अपना ये वो दिखा रहे हो। ये सब कुछ हुआ, ये सारी चीज हुआ, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि दोस्तों यहां नहीं बल्कि इसके बाद कार में जब अचानक से अनिरुद्ध का दर्द बढ़ने लगा और अनिरुद्ध को वाकई हार्ट अटैक के सिम्टम्स बढ़ने लगे, क्योंकि आज तक अनिरुद्ध को ऐसा कभी हुआ नहीं, और यदि अनिरुद्ध को झनक के पास जाना होता तो वो डंके की चोट पर अर्शी को बोल के जाता, लेकिन झनक ने खुद ही झनक अनिरुद्ध को बोल दिया कि दूसरी बार सर जी आप फेस मत दिखाइएगा, चेहरा मत दिखाइएगा, इसीलिए अनिरुद्ध नहीं जा रहा। लेकिन अनिरुद्ध यहां पे चेस्ट पेन का बहाना बन रहा है ऐसा अर्शी को लग रहा है, ना 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 ऐसा कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ये एक बात सही है कि आज छोटों ने कहा है कि
कि भाई आजकल यंगस्टर्स के बीच में भी हार्ट अटैक के सिलसिले बढ़ने लगे। यानी एक बात साफ है कि भाई यदि अनिरुद्ध ये बोल रहा है बात तो इसमें सच्चाई है। अनिरुद्ध ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा है, अनिरुद्ध जो भी बात बोल रहा है वो सच बोल रहा है, उसे जो फील हो रहा है वो बोल रहा है। झनक से मिलने के लिए या कोई बहाने के लिए या अर्शी के साथ उस चीज को यानी कार में जाए ना और फ्लाइट मिस हो जाए इंटरनेशनल फ्लाइट, हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट को पाने के लिए आपको एयरपोर्ट में 2 घंटे पहले जाना होता है, ये बात दोस्तों अर्शी बता रही है। लेकिन फिलहाल 2 घंटे का वक्त तो है ना अर्शी, किसी इंसान के हार्ट अटैक के सिम्टम आया उसके बारे में बताने का। तुम अगर फ्लाइट में लेके जाओगी वहां कुछ हो गया तो क्या करोगी इस अनिरुद्ध का, क्या करोगी अनिरुद्ध की लाश का बॉडी का क्या करोगी? जब अनिरुद्ध जिंदा ही नहीं रहेगा तुम क्या करोगी? तुम भी तो प्यार करती बोलते हो ना, ये है तुम्हारा प्यार कि तुम अनिरुद्ध को हाँ किसी बात में लेके जाओगी, हाँ वो मर जाए कुछ भी हो जाए मैं तो उसे लेकर जाऊंगी। यानी कुल मिलाकर दोस्तों एक बात साफ है कि भाई अर्शी अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती बल्कि ईगो में जिद में उसके साथ है। और यही बात ना भाई अब अनिरुद्ध को समझ आ चुकी है, अनिरुद्ध को बहुत पहले समझ आ चुका है लेकिन अनिरुद्ध कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन खुशी की बात एक है दोस्तों कि यहाँ पे इसी अस्पताल में हमारी झनक भी पहुँच जाएगी। हालांकि झनक वही कैफे में पहुँचेगी जिस कैफे में जिस ढाबे के बाहर अनिरुद्ध को रोका गया। छोटो अचानक से देखता है कि चेस्ट पेन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अनिरुद्ध की तकलीफें बढ़ रही है, तो वो अनिरुद्ध को उस ढाबे के पास रख लेता है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती है बल्कि अनिरुद्ध को अब धीरे धीरे आगे लेकर जाएंगे और इसी ढाबे में भाई हमारी झनक भी पहुँचेगी जहाँ पर झनक का शूट भी होगा। और वहीं पे अनिरुद्ध के शूट के चलते हुए अब यहाँ पे दोस्तों झनक आएगी, झनक अनिरुद्ध के साथ जाएगी लेकिन झनक को अनिरुद्ध के पास जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन किसी की मजाल है जो एक पति को एक पत्नी को रोक सके एक दूसरे को मिलने के लिए, क्योंकि अब ना यहाँ पे सभी के सामने ऐलान कर दिया झनक ने कि वो अनिरुद्ध की पत्नी है और उसे अब कोई नहीं रोक सकता। भारतीय संविधान के मुताबिक एक पति पत्नी के बीच में कोई नहीं आ सकता। और ये कहावत है ना सुनी होगी कि भाई भाई किसी के भी बीच में पड़ना पति पत्नी के बीच में मत पड़ना, ये लोग बाद में एक हो जाएंगे आप पर आ जाओगे। और इसीलिए दोस्तों कुल मिला के ना झनक यदि बोल रही है कि उसे अनिरुद्ध के पास जाना है, अनिरुद्ध के पास जाना है, अनिरुद्ध का केयर करना, अनिरुद्ध को प्रसाद खिलाना, अनिरुद्ध को बचाना है, तो भाई हमारे बोस परिवार वालों को कुछ और ही लग रहा है। बेशक है दोस्तों झनक कुछ भी कहे इनको तो कुछ और लगता है, लेकिन अब झनक को ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं तो मजबूरन झनक को उठाना पड़ता है त्रिशूल, त्रिशूल उठाना कर सभी के सामने करना पड़ता है ऐलान कि वो कौन है और उसे रोकने का अंजाम क्या हो सकता है। ना ही अर्शी, ना ही सृष्टि, ना ही तनुजा, ना ही शुभो, ना ही कोई लाल, ना ही कोई बिपाशा, यानी कोई भी झनक को नहीं रोक सकता। और इसीलिए अब झनक और अनिरुद्ध एक होने वाले, यानी इस खुशहाल लम्हे को फाइनली जो लम्हा रौनक के हैशटैग रौनक के फैंस के लिए सबसे बड़ा लम्हा है वो आ चुका है। और ऐसे में झनक और अनिरुद्ध को एक साथ होते हुए देखने के लिए आपके जो एक्साइटेड है कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, बेशक आप लोग वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों आपका चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक जुड़े एक और बड़े अपडेट के साथ आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर जल्द ही ये छू मंतर। तब तक आप सभी को टाटा गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।